हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी एफ आई बी कॉम यूनिवर्सिटी वाले जो तुम्हारा भी दिमाग एकदम खाली है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या पढ़े, एग्ज़ाम आ रहे हैं। ओके, अब मैं तुमको बस प्यार मोहब्बत में समझा देता हूँ। सुनो, जो आपका सबसे सात सब्जेक्ट है ना, मैथ्स और अकाउंट्स, एक ये दो ऐसे सब्जेक्ट है ना, मैथ्स में लोग ज़्यादा केटी लगाते बच्चे लोग। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अकाउंट कैसे इजी, आप प्रैक्टिस कर लेके तो आ जाएगा, बड़ा बड़ा समय पर प्रैक्टिस करेगा, पोस्टिंग करके मार्क्स हो जाएगा। फिर तुम्हारा एफ सी ए जो 75 मार्क का होगा, 25 मार्क इंटरनल एग्जाम होगा, मोबाइल में होगा, बाद में देखिए। बी सी बोलते बिजनेस कम्युनिकेशन, पूरा लेटर से इसमें, ओके, मतलब इंग्लिश टाइप है। कॉमर्स तुमको 16-18 आंसर याद करना पड़ेगा, इकोनॉमिक में भी 16 आंसर याद करना पड़ेगा, थोड़ा हाई लेवल का है। ई वी एस में मैप भी आएगा बच्चे लोग 20 मार्क का, ओके। 80 मार्क के तुमको 8 आंसर लिखना है। तो मैंने क्या कर दिया मालूम है क्या, पूरे जो 7 सब्जेक्ट है ना यूनिवर्सिटी का, बच्चे लोग हर सब्जेक्ट का आई एम पी क्वेश्चन पेपर पैटर्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिया हूँ। मैथ्स का, फाइनेंशियल अकाउंट, जो भी अकाउंट्स है, मतलब बोलते हैं ना अच्छा खासा 40 से 50 प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया हो। अगर आपको किसी का भी सॉल्यूशन चाहिए, वीडियो एक्सप्लेनेशन चाहिए, मेरे पास सबका वीडियो एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। तो मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 200 रुपीज़ चार्ज कर रहा हूँ। आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, जैसे ये मतलब गूगल पे पे कर देंगे, स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, आपको जो सब्जेक्ट का चाहिए मैं सेंड कर दूंगा। अगर आपको ऑल सब्जेक्ट्स का चाहिए 1000 रुपीज़ ही चार्ज कर रहा हूँ, तुमको सब सब्जेक्ट का एक साथ दे दूंगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, मैंने तुम्हारे पास एक क्लिक में सब मिल जाएगा, जिसमें तुमको ये सब चीज़ अवेलेबल रहेगा, तुम्हारा काम ईजी हो जाएगा, अच्छे से तुम लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऐसे ही पास हो गए। अगर आपको नीड चाहिए, हेल्प चाहिए तो बस, और मैं बाकी का लाइव लेक्चर भी तुम्हारे लिए डेली कंडक्ट कर रहा हूँ, तो जो भी डाउट आप लाइव लेक्चर में भी आ जाना, ओके। और मेन बात है ना, आपको प्रैक्टिस करना है बच्चों लोग, क्योंकि एक बार केटी लग गया ना तो फिर केटी जल्दी क्लियर नहीं होती, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ज़्यादा करके लोग मैथ्स में केटी लगाते हैं, मैथ्स में तुमको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अकाउंट्स तो हो जाएगा, मैथ्स है, ई वी एस और इको, ये 3 सब्जेक्ट खतरनाक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बाकी रीड कर लेगा हो जाएगा, हेडफोन याद करके अंदर ऑनवर्ड्स में लिखेगा तो भी चलेगा, ओके। तो कुछ भी डाउट है तो नंबर पर मैसेज कर दो, ओके। आई विल बी गिविंग यूर रिप्लाई, ओके। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, लव यू ऑल।